कैथल में केंद्र सरकार की मनरेगा के तहत पशु शेड योजना में भारी गोलमाल का मामला उजागर हुआ है। गांव बालू में 8 कैटल शेड धरातल पर है ही नहीं, पर 13 जुलाई को सरकारी खाते से उसके लिए 2,71,000 का भुगतान हो चुका है। अगर पूरे उपमंडल में जांच की जाए तो बड़ा फर्जीवाड़ा मिल सकता है। गांव बालू के गुरुदेव सिंह ने केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीम के तहत मनरेगा मामले की जांच करवाने की मांग की है। सर, मनरेगा के अंदर जो मनरेगा मजदूर हैं उनके पशुओं को छत देने के लिए सरकार ने एक पशु शेड सेवा शुरू की थी। इसके लिए 60,000 से प्लस पैसा देना था मजदूरों को और उन्होंने अपने कैटल शेड तैयार करने थे। गांव बाड़ू के 10-11 मजदूरों ने इसके लिए आवेदन किया था BDPO कलायत को लगभग जनवरी के दौरान इस साल। उसमें से 3 ऐसे मजदूर थे जिन्होंने अपने कैटल शेड तैयार करवाने के बाद 2 की अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। 1 की सर उन्होंने अधिकारी ने पेमेंट कर दी। उसके बाद जब मेरी पेमेंट नहीं हुई तो मैंने इसके लिए कुछ ऑनलाइन कुछ कागजों खर्चा होना शुरू किया तो मेरे सामने 8 ऐसे कैटल शेडों के मामला गंभीर सामने आया। मैंने उनसे देखा कि उनके धरातल पर बिल्कुल कोई बने नहीं हुए हैं। अधिकारियों ने एक नरवाना की फर्म के साथ सांठगांठ करके उनसे झूठे बिल तैयार करवा लिए। झूठे बिल तैयार करके वो जितना पैसा था लगभग 3 लाख के करीब वो पैसा अपनी जेब में डाल गए और वो आज भी वो जो गरीब परिवार हैं वो ऐसे ही अपनी जूझ रहे हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ दफ्तरों के चक्कर कटाने पर मजबूर हैं और उनके पास किसी प्रकार। वहीं CTM अमित खोकर ने बताया कि गांव बालू से एक शिकायत आई कि मनरेगा के तहत कैटल शेड बनाने के नाम पर घोटाला हुआ है, जिसकी SDM स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जाएगी। हाँ, इसमें एक बालू गांव से हमें एक मामला संज्ञान में आया है, जिसके तहत जो एक मनरेगा योजना के तहत एक स्कीम आई है कि गांव में पशु शेड बनाए जाते हैं जिनमें 60,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जो शेड बनाने के बाद दी जाती है। उसमें हमें एक मामला संज्ञान में आया है कि जो शिकायतकर्ता हैं या एप्लीकेंट हैं उन्होंने 3 शेड, पशु शेड, कैटल शेड इस स्कीम के तहत बनवाए थे। उसके बाद उन्होंने जब पेमेंट के लिए अप्लाई किया तो उनकी शिकायत है कि हमें 1 शेड की तो पेमेंट मिल चुकी है और 2 शेड की नहीं मिली है। और इसके अलावा भी उनकी एक अपील है, शिकायत है कि इस मामले में कुछ ऐसे मामले हैं कि जो जहां पे पशु कैटल जो है ये शेड हैं वो नहीं बन पाए हैं, लेकिन उनको भी पेमेंट कर दी गई है। तो इस मामले में हम एक अपने SDM लेवल के अधिकारी के माध्यम से जांच करवाएंगे और जल्दी से जल्दी इस मामले के तहत जाके जो भी सच्चाई है उसका पता करवाएंगे। तो सर, इसमें बताया गया जैसे शिकायतकर्ता ने ये बताया था कि 8 शेड और 3 की यानी जो काम हो चुका है टोटल 11 शेड है, उसको पेमेंट दी गई है, ऐसा है। ये तो जांच में जो भी तथ्य होंगे वो सामने आ जाएंगे। बहरहाल शिकायतकर्ता ने आज DC और CM विंडो पर इसकी शिकायत दी है ताकि इस गड़बड़ झाले की जांच हो सके और आरोपियों का पर्दाफाश हो सके। कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।